स्वागत, वड़कम, नमस्कार। एक बेहतरीन संडे और बेहतरीन पैनलिस्ट के साथ हम फिर मौजूद हैं आपके सामने। मुद्दा जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जहां से छोड़ा था, आज हम वहीं से करेंगे शुरुआत। तो आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम विद अ पैनलिस्ट। बात करने जा रहे हैं हम उन सेवन डायमेंशंस की, वो सेवन डायमेंशंस जिसको हमारे कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है। सेवन डायमेंशंस जो हमारी लाइफ से प्रैक्टिकली रिलेटेड हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो या स्पिरिचुअल हो। इन सारे डायमेंशंस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में असर हुआ है। इस कोरोना ने हमें कहीं ना कहीं इससे इसमें परेशान किया है और यही वजह है कि हम इसमें सीमित रह गए हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो मुद्दा है, वो आपको बताएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आई होप आप सबने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना जरूर होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू पॉजिटिविटी इफ यू आर पॉजिटिव, गिव्स यू नेगेटिविटी इफ यू आर नेगेटिव। इसी सोच के साथ, इसी धारणा के साथ हम काम कर रहे हैं सैट फ्री इंडिया की एक मुहिम में। सैट फ्री इंडिया टॉक्स अबाउट आपके एस स्टैंड फॉर स्ट्रेस, डी फॉर डिजीज, ए फॉर एंजाइटी एंड अगेन डी फॉर डिप्रेशन। एक हम मुहिम चला रहे हैं सैट फ्री इंडिया की, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे शोज कर रहे हैं। मैं आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। बट अभी जो पैनलिस्ट मेरे साथ, जो स्टॉलवर्ड्स इकट्ठे हुए हैं, मैं उनके लिए आप सबसे आपको सबसे पहले उनसे मिलवाना चाहूंगी। आई विल जस्ट से कि ओनली इन द डार्कनेस, व्हेन देयर इज मच डार्क यू कैन सी द स्टार्स। तो जब बहुत ज्यादा डार्कनेस होती है, तभी आपको स्टार्स दिखते हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, उन्होंने इस टाइम में भी अपने ऊपर वर्क किया है और तभी वो यहाँ एज अ पैनलिस्ट जुड़ पा रहे हैं। तो हमारी इस मुहिम में साथ देने SGV फाउंडेशन, श्री गणेश विनायक फाउंडेशन, ये मुहिम लेकर आ रहा है सैट फ्री इंडिया। और इस मुहिम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर मयंक श्रीवास्तव, IPS डायरेक्टर फायर इमरजेंसी सर्विस एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मेजर प्रवीण सिंह डायरेक्टर कार्डिनल वॉर रायपुर, मिस्टर जसप्रीत सिंह भाटिया फाउंडर आइस क्यूब हॉलीडेज, मिस्टर आशुतोष दुबे साइबर एक्सपर्ट छत्तीसगढ़, डॉक्टर हामिद खान डायरेक्टर एंड फाउंडर पाथ IS अकेडमी, ही इज एजुकेशनिस्ट एंड टेक्नोफाइल, डॉक्टर अनिल के गुप्ता डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल फाउंडर पॉजिटिव हेल्थ जोन एंड लाइफ कैंपस। I once again welcome each and every one of you to this special episode, जहां पे हम बात करने वाले हैं, हम सिखाने वाले हैं उन लोगों को जो थोड़े से हताश है, थोड़े से निराश है, बट मैं उनके लिए एक लेकर आई हूँ एक पॉजिटिविटी का डोज। एंड लेट्स लर्न फ्रॉम दीज स्टॉलवर्ड्स हाउ डिड दे बाउंस बैक फ्रॉम देयर चैलेंजेस एंड कन्वर्टेड देम इनटू अपॉर्चुनिटीज। आई अनुभूति श्रीवास्तव टेक दिस अपॉर्चुनिटी to present you this entire episode. And before I move forward, I'll quickly take a minute to brief about the foundation we are talking about. This is Sri Ganesh Vinayak Foundation. Ye foundation teen different aspects mein kaam kar raha hai. Pehla Andhatmukt Chhattisgarh. अंधत्वमुक्त छत्तीसगढ़, जैसा नाम बोल रहा है, हम बहुत सारे कैंपेन्स कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। लास्ट 6 years में 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम सर्व कर चुके हैं, 11,000 से ज्यादा स्कूल विजन स्क्रीनिंग कर चुके हैं, मोबाइल आई चेकअप वैन के थ्रू हम डिफरेंट रूरल और अर्बन एरियाज में पहुंच रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए। साथ ही सैट फ्री कैंपेन जो हम ये रन करें, अब तक हम 1,000 से ज्यादा, I repeat, 1,000 से ज्यादा वर्चुअल और फिजिकल शोज हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक हम हैप्पीनेस ड्राइव चला रहे हैं, जहां पे हमें जहां भी मौका मिलता है या हम अपनी छोटी सी कैपेसिटी में जहां मदद कर सकते हैं लोगों की, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स को मास्क बांधना हो या सैनिटाइजेशन का हेल्प करना हो, राशन देना हो, या फिर बारिश के मौसम में उनको रेनकोट देना हो, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ हम लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। देने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन हाथ हम जैसे के होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि
ये एक छोटी सी मुहिम जरूर रंग लाएगी. कैन आई रिक्वेस्ट माय टीम टू प्लीज प्ले अ शॉर्ट वीडियो ऑफ दिस. तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, इन सवालों को आपने भी ज़रूर फेस किया होगा और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं. हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं. जो आपने चाहा वहाँ आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर. इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं. वह आप ही हैं जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं. हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का. आंखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है. बोलूं भी जरूर फेस किया होगा और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं. हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं. जो आपने चाहा वह आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर. इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं. वह आप ही हैं जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं. हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का. आँखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह बात हम सभी जानते हैं. अगर हमारी आंखों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का एहसास भी है हमें. हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आंखों की जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसका इलाज तो है मगर लोगों के पास धन का अभाव है. इसी समस्या को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि जिनके पास धन का अभाव है हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे और हमने हजारों की संख्या में लोगों का निःशुल्क इलाज किया. इस वीडियो में कुछ लोगों का आप हंसता हुआ चेहरा देखेंगे, यह उन्हीं में से कुछ लोग हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के ज़रूरतमंद नेत्र समस्या से ग्रसित लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते. इसीलिए इस कार्य में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी. क्या आप हमारा साथ देंगे? आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन, सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर सकें, या परिवार में किसी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की मदद से किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं तो वह जब अपनी आंखों से इस दुनिया को देखेगा तो ना सिर्फ आपको दुआ मिलेगी पर ऐसी खुशी मिलेगी जिसके सामने सारी खुशियां बौनी नजर आएंगी. हम नहीं जानते कि अंधेरे में छोड़ा गया एक छोटा सा तीर कितने घर को रोशन करेगा, लेकिन हमें यह यकीन है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे. हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए. इसका सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है. नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, क्योंकि
क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, वो दरिया में डाली हुई नेकियां बाहर निकल कश्ती को बचाती है। इसी के साथ मैं आगाज करना चाहूंगी इस कार्यक्रम का। I will invite our very first guests for the day. इन्होंने गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा ली और कुछ उधार लेकर अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। पढ़ाई के तत्काल बाद इनकी प्राथमिकता थी कि ये पहले अपने घर को संभालें। जब घर के माली हालत में कुछ सुधार हुआ तो ये वापस अपने सपने की तरफ बढ़ चले और उस सपने को सफल करने के लिए इनको 3 बार असफल होना पड़ा। जी, आप सही सुन रहे हैं, और 3 बार असफल होने के बाद वापस ये उस मुकाम पर पहुंचे जहां ये आज है। मैं बात कर रही हूँ IPS मिस्टर मयंक श्रीवास्तव की। ये डायरेक्टर फायर इमरजेंसी सर्विसेज एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। इनका सफर इलाहाबाद से छत्तीसगढ़ तक का और ऊंचाइयों तक का बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ था। तो मैं सीधे आपको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज हमारे मंच पर आए और एक बार हमारे दर्शकों को बताएं लाइफ में कैसे आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं और अपॉर्चुनिटीज में बदलना है। वेलकम मिस्टर मयंक, वेलकम। थैंक यू अनुभूति। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का जो काम है चैरिटी वाला, और जिस तरह से लोगों की आप मदद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे वश में जरूर कुछ होगा तो हम लोग भी इसमें सहयोग आप लोग का करेंगे। रही बात, आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें थोड़ा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा। गांव के सरकारी स्कूल में नहीं, मैं शहर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन हम लोग थोड़ा मस्ती से पढ़े हैं, मस्ती इन द सेंस कि उन स्कूल्स में जाना कोई जरूरी चीज नहीं होती थी, कम से कम जब मैं पढ़ता था तब। तो मैं बहुत कम स्कूल जाता था, पर ऐसे स्कूल में पढ़ने का जो सबसे एक कहने की डिसएडवांटेज होता है वो वहाँ का माहौल होता है, जो कम्पिटिटिव उतना नहीं होता है। तो अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको अपने अंदर एक भावना रखनी पड़ती है कि हाँ, हमें करियर बनाना है, हमें ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यू नो, देयर आर बहुत सारे रास्ते हैं, कहाँ जाना है हमें। तो वो अलग खाप के अंदर खुद होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने बोली कि आपदा में अवसर बनाने का, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने जैसा बताया कि एक टाइम था, चूंकि हमारी फैमिली अच्छे उसमें नहीं थी, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में, तो इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा पहला जो टारगेट था वो था कि कोई जॉब लगे और हम अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अन्य लोगों को सपोर्ट कर सकें, और उसके बाद हम जो करना चाहते हैं आगे वो करें। जॉब अनफॉर्चुनेटली जब मैंने पास आउट किया वहां से, तो उस समय ना बस्ट का टाइम था, डिप्रेशन का टाइम था, तो जॉब लगनी भी मुश्किल थी। फिर भी मैंने स्ट्रगल किया और कई सारी जॉब्स की। एक कॉन्सेप्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक दूसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो कभी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझा क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। लाइक मैंने कुछ कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू किया, कुछ प्लास्टिक फैक्ट्री में जो अपने यहाँ ही थी इलाहाबाद में, वहां काम किया, लेकिन वो मुझे अंडर एम्प्लॉयमेंट लगता था। मतलब जो एजुकेशन मेरी है उस हिसाब से का काम नहीं लगता था। अल्टीमेटली एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा सिलेक्शन NTPC के लिए हुआ, और NTPC एक पब्लिक सेक्टर है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसमें क्या हुआ कि उसके मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो बड़ी लंबी कहानी है, यहाँ वो मंच नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना कहना है कि अगर कुछ लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी हो तो कुछ कुछ वैसी कहानी हो गई थी। आई वॉज सब्जेक्ट एंड देर वर अदर गाइज वर टेस्टिंग देयर थियोरेटिकल नॉलेज ऑन मी, आई वॉज गिनी पिग फॉर देम। सो एक साल का समय जो है उसमें मेरा वेस्ट होना था, ये मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक आपदा थी,
मैंने ये सोचा कि अब इस आपदा में अपन अगर ऐसे ही घिसते मरते पड़ते रहेंगे और हॉस्पिटल से हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से डायग्नोस्टिक डिफरेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाते, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई थी वो डायग्नोज नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो वो एक सिंपल लंग इन्फेक्शन से लेकर के अल्टीमेटली ब्लड सॉरी लंग कैंसर तक का वो हो सकती थी, जो चेस्ट के पीएवयू में जो पैच आए थे। तो इतना डायग्नोसिस हुआ, सब नेगेटिव आता जा रहा था, बट द डॉक्टर्स वर नॉट सेटिस्फाइड। सो आई हैड टू वेस्ट 1 ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। सो मीनवाइल आई हैड ऑलरेडी स्पेंड सम 3 ईयर्स आफ्टर माई ग्रेजुएशन वर्किंग इन दिस और दैट कंपनी, लीविंग देम, गोइंग फॉर एम टेक। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर IIT कानपुर ऑल्सो, बट देन आई लेफ्ट इट बिकॉज आई डिंट वॉन्ट टू गो फॉर स्टडी। देन आई ज्वाइन सम अदर कॉलेज, लेफ्ट इट। आई ज्वाइन सम अनदर कॉलेज, आई लेफ्ट इट बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, यू नो। तो इस 1 साल के दौरान वो मेरा डिटर्मिनेशन जो है, वो एक इलाहाबादी कीड़ा टाइप का होता है सिविल सर्विसेज वाला, वो जो मेरे अंदर मौजूद था, उसने पैंक्स मारने शुरू किए। तो मैंने सोचा कि ये अब मैं इसको फुली यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट तो होना ही है अदरवाइज। और ये वही समय था कि जिसमें मैंने पहली बार प्री क्वालिफाई किया, मेंस दिया। अनप्रिपेयर्ड था मेंस के लिए। इस बीच मेरा एनटीपीसी में फुल्ली हो गया और मैं जॉब भी कर रहा था, मुझे मजबूरी थी जॉब करना और उसके साथ प्रिपरेशन करना। तो मेंस के प्रिपरेशन के दौरान बड़े इश्यूज आते थे, आपको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती है, लीव विदाउट पे 2 महीने की लेकर के इधर उधर घूम करके, कभी कटक में सेंटर दे करके जहाँ पे पोस्टिंग थी पास में, कभी जयपुर में सेंटर दे करके, और अल्टीमेटली हमने दिल्ली में 2 महीना रह करके लीव विदाउट पे लेकर के तैयारी की, और उसमें अल्टीमेटली सक्सेस हुए। तो कहने का आशय ये था कि अगर हम उस चीज से ओवर ऑट हो जाते कि यार हमको फुटबॉल की तरह इधर उधर घूमना पड़ रहा है, और उससे हम डर जाते और उसमें ही सारा दिमाग लगा देते, तो इस चीज को यूज नहीं कर पाते। तो जो मेरे पास टाइम था ना, मैंने उसका कंस्ट्रक्टिव यूज किया और इस चीज को अवसर में बदला। उसी का नतीजा है कि जो मैं बनना चाहता था वो बन पाया। तो अगर इसको एक सेंटेंस में अभिव्यक्त करें तो ये कह सकते हैं कि जब आपके पास आपदाएं आती हैं, तो जो लोग डिटर्मिंड हैं, जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हैं, उनके लिए ये अवसर होता है, क्योंकि यही मौका होता है दिखाने का कि हाँ, आप जो करना चाहते हो आपके पास उसके लिए एक प्लान है, आपके पास वो करने का मादा है, क्षमता है। आज मैं यहाँ हूं, हालांकि अभी आपदाएं खत्म नहीं हुई हैं, बट देन अभी जिस रोल में हूं वहां पे लगभग हर दिन एक चुनौती आती है। और मैंने देखा है कि चुनौती शुरू में तो भयावह लगती है कि अरे यार कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आ गई, किस तरह से होगा, लेकिन जब आप उसका सोल्यूशन निकाल देते हो तो वो चुनौती आपके लिए एक अवसर बन जाती है, और लोग आपको आपके काम को रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ यार, इन्होंने कितना कठिन काम था, पहली बार ये काम हुआ है, या पहले हुआ था लेकिन इन्होंने और बेटर किया, या पहले भी हुआ था बेटर भी हुआ था लेकिन इनके पास ये कैपेसिटी है कि इन्होंने कर दिया। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अभी काम भी मेरे पास वैसा है कि जिसमें हर रोज एक चुनौती आती है। खैर अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, वो चीज हम लोगों को हमेशा ये प्रेरित करती रही है कि आपको काम करना, परिस्थितियों से लड़ना ही आपको सफलता की राह पे ले जाएगा। अनुभूति नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। थैंक यू सो मच महेंग जी, और आपने तो छोटे से उसमें बहुत कुछ दे दिया हमको। पहला मुद्दा जो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया था वो ये था कि आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन होना पड़ेगा। दूसरा, पीछे पड़ा है तो कुछ नहीं होने वाला है।
अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कुछ कर गुजरने का, तो चाहे आपदा आए या ना आए, आप वहां तक शायद पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, आप समझ तो गए हैं लेकिन आप फोकस नहीं है, आपको लक्ष्य नहीं दिख रहा है। आपको लगता है, आपको समझ में आ गया मुझे कुछ करना है, लेकिन आप अभी अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करना क्या है, तो भी आप कहीं ना कहीं फंस के रह जाएंगे। और तीसरी बात, मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मेहनत तो आपको करनी है। जैसा आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ आपने मेहनत करी और आज आप इस मुकाम पे हैं। थैंक यू सो मच मयंक जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बीइंग विद अस। और थैंक यू सो मच अनुभूति। आई वुड लाइक टू थैंक यू, एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई विल टेक योर लीव सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय वर्क। आई एम एंगेज्ड इन सम अदर वर्क आल्सो। Thank you so much. Bilkul, no issues. Thank you so much for joining us. Thanks everybody. Thank you so much. Nice to see you all. जी, तो अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे पैनलिस्ट की तरफ। आप सुन चुके हैं कि इन्होंने क्या बताया और हमें क्या सुनने को मिला। इसी के साथ साथ अगर मैं अगले अपने पैनलिस्ट की तरफ चल लूं, तो इनकी कहानी भी कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग है। He was commissioned in Indian Army as officer in 17th Parachute Regiment. He is qualified paratrooper and heavy drop specialist. He has been awarded Gallantry Award in Jungle Terrain of Manipur. पर जैसा हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल रहा था, और इसकी वजह से इन्होंने आर्मी से अपना त्याग देकर ही केम टू टूवर्ड्स अनदर एजुकेशन सेक्टर। और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला राजेंद्र गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। गोंदिया में भी इन्होंने एक MBP मिलिट्री स्कूल को कमांडेंट के रूप में 10 साल संभाला, और दुर्ग में एक प्राइवेट मिलिट्री स्कूल की स्थापना करने के बाद ये करेंटली रायपुर में कार्डिनल वॉरियर नाम के एक स्कूल के डायरेक्टर। मैं आवाज देना चाहूंगी मेजर प्रवीण सिंह को। प्लीज सर, ओवर टू यू एंड वी आर ईगर टू लिसन योर स्टोरी। कैसे आपने इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करा एंड हाउ यू आर मोटिवेटिंग द सोसाइटी। ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Jahin, Jahin, everyone. It was really nice to listen to IPS Mayank Srivastava ji and his life story. And I also belong, have done graduation from University of Allahabad. And jo wo Allahabadi keeda ki baat kar rahe the, that is the reason why I left army. I also wanted to become an IAS. और आर्मी से जब मैंने अपना कमीशन रिलिंग्विश किया, उसके बाद से मैंने भी IAS की तैयारी करने के लिए जब मैं फॉर्म भरने गया, तो देन आई सॉ कि सिंस आई हैव कम ऑन माय ओन रिक्वेस्ट, आई वाज नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द IAS। तो आई वाज स्टक, आई हैव लेफ्ट माय जॉब, आई वाज आउट इन द सिविल विद नो पेंशन एंड आई हैड नथिंग इन फ्रंट। एंड सिंस देन वी स्टार्टेड विद आवर एजुकेशनल वेंचर, went to Gondia where this military school concept really ignited that passion ki, yeah, let's do something for the society, let's make the younger generation. Incidentally, I am the president of Indian Short Service Commissioned Officers Association as well, and we are fighting a case for our pension, as well as this anomaly has been now been removed. We have won the case in the court, and now other officers who are short service commissioned officers who are leaving army and are coming to civil life can appear for IAS, and this they are now being considered as an ex-serviceman. So these are the things which do happen to you in your life. There are a lot of unexpected things which do happen in your life, and at times you don't get a lot of good advices. तो यू आर द योर बेस्ट फ्रेंड बेसिकली। जैसे हम फौज में थे तो वी हैड आवर ट्रेनिंग, वी हैड वर्क विद सो मेनी पीपल हु हैड दैट मोटिवेशन, हु हैड दैट मोरल। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें लाइक माइंडेड लोग जो कि टफ होते हैं, विल पावर होता है, स्क्रीन होके आते हैं। तो वी डू गेट टू इंटरैक्ट विद सो मेनी मोटिवेटिंग फोर्सेज। टुमारो इज द कारगिल विजय दिवस एंड आई वॉज देयर इन आर्मी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। I had lost many friends and in that war, and that war was a tough situation. That was really tough. It were people were sitting on the mountain tops, and evicting them from that position was quite close to impossible. But that was the sheer willpower and the dedication of the forces and the armed forces, all those who were deployed there,
who evicted them from all those heights. Today, I am just coming from the Shraddhanjali Arpit karke hum aa ja rahe hain Kaushal Yadav ji ko, jo ki Kalibadi chowk pe jinke memorial mein chowk hai, aur jo Veer Chakra Chhattisgarh ke dusre Veer Chakra hain, nine para commando ke, wo hum arpan karke aa rahe hain. तो बेसिकली लाइफ में जब भी आप देखिए, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो कोरोना काल में भी हमने देखा कि जो हमारा टॉपिक है कि डिप्रेशन हो जाता है, तो ये कारण क्या होता है. तो बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि आपको कोई साथी नहीं मिलता है, कोई काउंसलर नहीं मिलता है, कोई आपको जवाब नहीं मिलते हैं, तो आप जवाब किताबों में ढूंढिए. कई जवाब कई किताबों में, इतने ज्ञान है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इफ यू गो थ्रू इट यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स. मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा. एक बुक है जनरल साहब की लिखी हुई है, जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे. कई सालों तक वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहे, वर्ल्ड वॉर टू की बात है. और उस दौरान आप समझ सकते हैं कि चाहे जवान हो ऑफिसर हो, सारे उनको काम करने पड़ते हैं, जवानों से मजदूरी कराई जाती है, ऑफिसर्स को सुपरवाइजर बनाया जाता है. तो दैट वॉज द टाइम. और उसमें कई लोग जो थे वो मर गए, उसमें वो दे डिडंट कम आउट. तो जब बाहर आए, तो इसमें इंसिडेंटली अच्छी बात ये थी कि जो जनरल साहब थे वो अपनी एक डायरी लिखा करते थे कि डेली का उनका क्या टास्क है, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कैसे जवानों को मोटिवेटेड रखा. तो वहां इनका आपस का कम्युनिकेशन भी करने को अलाउड नहीं था. तो उन्होंने ट्रिक निकाली कि पैर को टैप करके वो कम्युनिकेट करते थे. एक बार टैप करना मतलब अल्फाबेट ए, दो बार टैप करना मतलब अल्फाबेट बी, एंड दिस इज द वे दे यूज्ड टू कम्युनिकेट इन ड्यूरिंग द प्रिजन, इनसाइड द प्रिजन. और साथ ही साथ इनकी जो वाइफ थी वो भी एक डायरी लिखा करती थी. तो जब ये छूट बाहर आए, प्रिजनर ऑफ वॉर से रिलीज हुए, अलाइव बाहर आए, तो इनकी वाइफ की किताब और इनकी किताब को मिला करके एक बुक पब्लिश हुई, जो कि इन लव एंड वॉर, जो कि बहुत फेमस किताब है, आप सब उसको पढ़ सकते हैं. तो इसमें जब जनरल साहब से इसका मैं जस्ट बताऊंगा कि मूल चीज, मूल मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ, तो उनसे पूछा गया कि जनरल साहब, इतने सारे लोग आप लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बने, और इसमें से जो लोग बाहर आए, तो जो लोग नहीं आ पाए, आप उनके बारे में बताइए, वो कौन थे, क्यों नहीं आ पाए. तो उन्होंने कहा कि जो बाहर नहीं आ पाए वो थे जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे. तो लोग बड़े परेशान हुए. लोग कहा जाता है कि भाई आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंड हाउ डू यू से कि जो ऑप्टिमिस्टिक थे वो बाहर नहीं आ पाए. तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड हैविंग फॉल्स होप्स इज अ डिफरेंट थिंग. तो जो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, उनका जो क्रिश्चियंस थे सब, तो वो सोचते थे कि इस क्रिसमस में घर जाऊंगा, अगले क्रिसमस में घर जाऊंगा, एंड ऐसे उनकी दो या तीन क्रिसमस के बाद जो होप थी वो खत्म हो गई. तो होप इज ए वेरी बिग थिंग, और ओवर ऑप्टिमिज्म इज नॉट गुड. तो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि यू मस्ट कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स. आपके लाइफ के जो ब्रूटल फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, उसको आपको कन्फ्रंट करना जरूरी है. आपकी सच्चाई है कहीं, जैसे फौज में हम थे, तो हमारी सच्चाई थी कि सामने दुश्मन बैठा था, हमको उसके खदेड़ना है, निकालना है, गिवन टाइम फ्रेम में. देश की आन बान शान हमारे कंधों पे थी. तो ऐसे ही जो सच्चाई है आपकी लाइफ की, आज ये कोरोना एक सच्चाई है, इसको आपको फेस करना है. लॉकडाउन एक सच्चाई है, इसको आपको फेस करना है. तो आप ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे कि कोरोना तो है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज डाइंग, तो वन डे यू विल लैंड अप इन आईसीयू. तो यू हैव टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस. इफ लाइक आई वाज अ पैराट्रूपर, आई यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो वी यूज्ड टू हैव अवर रिजर्व पैराशूट्स. ये नहीं कि हम हवाई जहाज से कूद जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स, ये हमको जानने की जरूरत है. और ये जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना या सपनों की दुनिया में हॉलुसिनेशंस में रहना, दैट ब्रेक्स योर हार्ट, दैट गिव्स यू, इससे आपको होप्स जो हैं आपकी टूटती हैं, और आपके जो होप्स हैं, होप्स भी रियलिस्टिक होनी चाहिए. यू मस्ट कन्फ्रंट द फैक्ट्स कि एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटीज कितनी हैं, आपके ऑप्शंस क्या हैं. कई बार आपकी कैपेबिलिटीज होते हुए, I was a topper in the University of Allahabad, and I was a very, very much prepared to give IAS, but I didn't get an attempt to give an IAS once I came out. So that doesn't mean you have to confront the brutal facts. Yes, this is the reality, and I have to settle in this reality, and I have to find a ways and means for my life. कि अब मेरे को आगे क्या करना है, एंड कहां मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, कहां मेरे को आई लाइक डूइंग इट एंड आई एंजॉय डूइंग इट. तो इसी तरीके से अपनी लाइफ में जो आपको एंग्जाइटीज हैं,
आपके सैडनेस आती हैं आपको या डिप्रेशन आते हैं, वो बेसिकली यदि आप अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट गेट ऑल दिस फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड यू कैन कम ओवर इट इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम इट. एंड ऑल्सो एट द एंड आई विल लाइक टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू शहीद स्मारक भवन टुमारो एट 6 PM. We are having a Vijay Divas celebration to commemorate the victory of Kargil on 26th July at 6 PM Shahid Smarak. I do appreciate the initiative taken by Dr. Anil Gupta ji. And last time bhi main inke seminar mein aaya tha. I do love the way that he is trying to create the awareness as well as the things which he is doing for the we saw the video jo aankhon ke liye eye donation ke liye or making giving lights to so many people across the state is worth commending. Thank you very much. Jai Hind. Thank you Major. So thank you so much Major Praveen Singh, and it was glad to hear you. और जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, दो चीजें तो बहुत क्लियर है. अगर आप सच्चाइयों से भाग रहे हैं तो शायद आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे. सच्चाइयां आपको एक्सेप्ट करनी है और उसके साथ आपको अपना आगे का रास्ता तय करना है. सच्चाइयों को समझना है, अपनी वीकनेस को समझना है और स्ट्रेंथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है. साथ ही अगर आपका कोई ऐसा जवाब है जो आपको लग रहा है कि कोई आपको मेंटर नहीं कर पा रहा है, तो आप किताबों की मदद लें. बहुत सारी किताबें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और किताबों से अच्छा दोस्त तो आज तक हमें कभी मिला नहीं है. तो अगर एक बार कोशिश करें तो मेजर साहब ने भी बहुत सारी किताबें मेंशन करी हैं, हो सकता है वो किताबें आपकी मदद कर जाएं. और साथ ही आज इंटरनेट हमारे पास एक माध्यम मौजूद है जो बहुत मदद करता है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू सो मच मेजर फॉर शेयरिंग द वंडरफुल स्टोरी ऑफ प्रिजन, जहां पे भी लोगों ने एक अपना उस आपदा में भी एक अवसर निकाल लिया कि मुझे कैसे बात करनी है. दे स्टार्टेड विद देयर साइन लैंग्वेजेस. तो सिर्फ सोच का फर्क है, अगर हम सोच पॉजिटिव कर लें तो कहीं ना कहीं हम रास्ता जरूर निकाल देंगे. बहुत ही क्लियर थॉट थे और ऐसे ही क्लियर थॉट्स जैसे कि आपने कुछ समझा है, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल भी काफी कुछ कर रहा है. और ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं ये एक गणेश विनायक फाउंडेशन के तहत चला रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टीम से कि एक बार श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल का वीडियो हम अगर सबको दिखा पाए. Team, can we have the video, please? Okay. और इसी के बाद में लेना चाहूंगी अपने नेक्स्ट गेस्ट को. He is Mr. Is internet working? Yes, I think ours is working. She is stuck. This is a challenge which we face online. Okay, इस प्रकार के challenges तो life में आते ही हैं और यही शायद life है. हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी मुहिम हम पहुंचा पाए और शायद ये अवेयरनेस ही जरिया है. और पिछले एक साल में जब ये लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तब भी हमने ये कोशिश करी कि ये सब कुछ जारी रहे, ये कहीं भी रुक ना पाए. और मुझे खुशी है कि हमारा ये जो सफर था ये लगातार जारी है और हम छोटे से गांव से लेकर शहरों तक अवेयरनेस पहुंचा पा रहे हैं. इनफैक्ट पैन इंडिया भी अब हमारे इन सारे इनिशिएटिव्स की चर्चा हो रही है और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ ये गेस्ट जोड़ पा रहे हैं. तो इसी के साथ ठीक है, तो लेट मी टेक द नेक्स्ट गेस्ट फर्स्ट, हम उसके बाद इस वीडियो पे जाते हैं. मैं बताना चाहूंगी जसप्रीत सिंह भाटिया जी के बारे में. He is listed one among the 14 out-of-box travel professionals by a magazine of Indian Express Group. इन्होंने ग्लोब के लेंथ एंड ब्रेथ सब जगह ट्रेवल करा है. इनफैक्ट स्टेट को भी बहुत अच्छे से स्टडी करा है, बहुत अच्छे से ये इन्होंने वर्क किया है. He is member of regional classification committee of the Ministry of Tourism, Government of India. He is founder general secretary of Chhattisgarh chapter of association of domestic operators of India, जिसे हम ADTOI भी कहते हैं. And in this pandemic, जैसा हम देख रहे हैं
कि ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा संभल के निकलिए। तो आई एम वेरी श्योर कि जसप्रीत जी के पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। सो ओवर टू यू जसप्रीत जी, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर आपने कैसे इस आपदा में अवसर की खोज करी। ओवर टू यू जसप्रीत जी। Thank you so much, Anubhuti, and many thanks to Anil Gupta ji for this fabulous program that you guys are doing and the commendable work that you guys are doing. And ma'am, jaise aapne bataya ke, I'll just stick to the corona part. The thing is ke the travel industry is which has been affected the worst. Jaise hum pehle bhi baat kar rahe the ke this is the first industry which to be impacted and probably it will be the last one to recover. So it is indeed a very tough time, और ये अभी over नहीं हुआ, ये time चल रहा है। हमारा जो work है या जो businesses हैं, जो भी काम travel tourism के होते हैं, that is I think normal से 10% पे भी नहीं है। तो it is a very challenging time and unprecedented times। बड़ी बड़ी companies, बड़ी बड़ी airlines, hotel groups, they have fallen, they have succumbed to this pressures and the uncertainty of corona and COVID times, but that's how what it is. And give up करने से कुछ होगा नहीं, और हमने हमारी हमारी तो छोटी सी कंपनी है इतने सारे बड़े बड़े corporations के सामने, but we are happy that we have been able to see through this time. And corona ने एक opportunity दी एक अलग perspective से अपने काम को देखने की, क्योंकि जब आप काम में busy रहते हैं, आप carry on करते रहते हैं, तो आपको time नहीं मिलता कि आप क्या कर रहे हो, वो सही है कि नहीं है, ये स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं है, वेदर यू शुड डू दिस वर्क और यू शुडंट डू दिस वर्क, और देयर आर सम सिस्टम सम प्रोसेसेस दैट यू शुड पुट इन प्लेस। एंड बिकॉज ऑफ कोविड वी वर एबल टू यू नो टेक अ स्टेप बैक एंड वी वर एबल टू सी एंड एनालाइज कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, उसको चेंज करना है कि नहीं करना है। प्लस अनदर थिंग विच कोविड टॉट वॉज के हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि मेरा बिजनेस है, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगले साल 10% बढ़ेगा ही, मुझे तो इतना काम मिलेगा ही, मैं तो कल ऑफिस जाऊंगा ही, मुझे तो फ्रीडम है, मैं कभी भी घूमने चले जाऊंगा। तो कोविड ने ये रियलाइज कराया कि बॉस नथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, एंड ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मैंने एक सीखी कि हमको जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि हम रोते रहें जो हमारे पास में नहीं है। सो इन कोरोना टाइम्स वी रियलाइज्ड कि बॉस Yes, gratitude one has to show. आज हो सकता है हम business नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हम घूम नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे सब loved ones की health अच्छी है, हमारी health अच्छी है, we should be thankful for that. We are sitting at our homes and not in our hospital, so we should be thankful for that. So this was one very big learning which I learned from the COVID times, के we should be happy with what we have. इसका मतलब ये नहीं है कि हमको objectives आगे के नहीं रखने या aim नहीं करना, but we should show gratitude. Gratitude for what we are having. And secondly, corona ने एक चीज ये सिखाया है कि you should be versatile. आपको adapt करना है, आपको अपनी reality को समझना है। अगर मैं मेरे business की बात करूँ तो हमको challenges ये हुए कि ये एक stream बंद होगी तो आप और क्या कर सकते हो? How can you use your available resources, available time to generate something new, to do something new? So that was one thing. Versatility with your available resources is something which was taught to us by corona. और उसी वर्सिटैलिटी को यूज करके हम सर्वाइव कर पाए। अगर हम वही ओल्ड मींस पे स्टक रहते तो शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो कोरोना ने ये कई सारी चीजें सिखाई और अभी भी सिखा रहा है। आई डोंट नो अभी कब तक सिखाएगा, लेट्स होप कि देयर कम्स टू एन एंड टू दिस थिंग। बट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि इट्स आर एंटायर थॉट प्रोसेस कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे यू नो एड्रेस करते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपका दिमाग ठीक है, जो आपका भी नाम है पॉजिटिव हेल्थ जोन, पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट। इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी डैम प्रॉब्लम। और अगर आपने एक नेगेटिव अप्रोच रख ली, आपने गिव अप कर दिया, तो फिर कुछ नहीं होता। सो इट्स ऑल इन आवर हेड दैट हाउ डू वी टैकल एनी प्रॉब्लम, हाउ डू वी हैंडल इट। एंड That's basically it. You know, I very strongly believe in a positive attitude, in taking things head on instead of giving up. And
जो हमारे बस में हमको वो कर देना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है वो सब कराएगा. सो वी शुड नॉट लैक इन आवर एफर्ट्स. जो अपने हाथ में है, जैसे मेजर साहब ने बोला था कि यू नो वन शुड अंडरस्टैंड द रियलिटीज दैट व्हाट इज योर लिमिटेशन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. सो फोकस ऑन स्ट्रेंथ, ट्राई टू इम्प्रूव योर लिमिटेशंस एंड डोंट हैव अनएक्सपेक्टेड होप एंड ऑल. सो बी रियलिस्टिक. सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बेस पे वी वेर एबल टू सर्वाइव एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट वी हैव बीन एबल टू सर्वाइव. वंडरफुल जसप्रीत जी, वंडरफुल. सो नजरिया बदलो और सोच बदलो, ये पूरी कहानी उसके बारे में है. आपने नजरिया बदल लिया, आपने सोच बदल ली, अपनी लिमिटेशंस थोड़ी सी बढ़ा ली, तो शायद जैसा आपने बोला आपकी क्रिएटिविटी के साथ आप लिमिटेड सोर्स में भी वो कर ले जाएं जो शायद आपने कभी पहले नहीं सोचा था. जी तो बिल्कुल सही है ये बात. और मेरे ख्याल से जितने मेरे व्यूअर्स हैं इनको बहुत कुछ मिल रहा है सुनने के लिए, और ऐसे ही ये चर्चा आगे जारी रहेगी. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगी हमारे हॉस्पिटल के बारे में. आप एक बार देखिए और समझिए कि किस लेवल पे लोग छोटे से छोटा काम करके समाज की मदद कर सकते हैं. तो ये एक छोटा सा वीडियो है. स्क्रीन कैन यू प्ले. हम उमर कोट उड़ीसा से आए हैं सर. हम यहाँ, हमारे लड़की का इन्फेक्शन हो गया था आँख में लगने के कारण, जो कि आज हम रायपुर में आए. हमारी लड़की एकदम ठीक हो गई. अभी एक आँख में थोड़ा हल्का हल्का प्रॉब्लम है, लेकिन सर बोले हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. और हमारे सर जो हैं आज हमारे लिए भगवान हैं. हमारा बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत अच्छे से इलाज किए हमारा. अभी मेरे को अच्छा लग रहा है. तो अभी मेरा लड़की का जो थोड़ा आँख ही कम दिखता था, अभी धीरे धीरे ठीक है. सर बोले हैं ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा. तो आज फिर मैं आया हूँ, 12 तारीख को फिर आया हूँ दिखाने, 3 महीने के बाद में फिर 12 तारीख को आज दिखाने आया हूँ. तो बोले ठीक है, यही दवा ले जाओ और डालना, फिर जैसे होगा मेरे को बताना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. सर को हमारा धन्यवाद, बहुत अच्छा से हमको देखे और हमारा इलाज किए, इसके लिए हमारे लिए भगवान है. हाल के जितने स्टाफ हैं हमको सब बहुत सहायता करे हैं, बहुत अच्छा से हमारा देखभाल किए हैं, इसीलिए मेरे को बहुत खुशी है. हमारे लड़की को एकदम अच्छा हो गया, यहाँ तक कि आँख निकालने का हो गया था कि आँख निकाल देंगे, लेकिन हमारा सर ऐसी हैं चारू दास जी, जो कि हमारे लड़की को बचा दिए, आँख निकालने से बचा दिए. आज मेरे को वही बहुत खुशी है, बहुत सहायता की है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा. और बोले हैं सर एकदम ठीक कर दूंगा. हेलो, जी नेक्स्ट जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, ये एक हादसे के शिकार हुए थे. आपने कभी सुना हो कि 8 साल पहले इनका एक एटीएम कार्ड होता था यूजली जो हम यूज करते हैं, वो क्लोन कर लिया गया था. वो क्लोन करने के बाद इनके मन में एक जिज्ञासा जुड़ी कि क्या कैसे है और इससे लोगों को बचाया कैसे जा सकता है. इसी एक इंसिडेंट ने पूरी चीजें बदल के रख दी. मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाना चाहूंगी आशुतोष दुबे जी को.
आशुतोष दुबे जी इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, सर्विलेंस सपोर्ट दे रहे हैं कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट को और सिक्योरिटी एजेंसीज को। बहुत सारे पुलिस सुपरिटेंडेंट की वजह से अवार्ड से भी नवाजा। तो आशुतोष जी ओवर टू यू, आप बताइए कि ये भी एक आपदा थी, इसको आपने अवसर में कैसा बदला। हेलो अनुभूति जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो मैं भी एक गांव से निकला हुआ लड़का था जब मैंने टेंथ किया। टेंथ करने के बाद जब मैं निकला तो मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, मुझे लाइफ में करना क्या है। और जैसे अभी मैं एज अ साइबर और आईटी एक्सपर्ट हूँ, तो ये मेरा कोई फील्ड नहीं था कि मैं ये आईआईटी और साइबर से रिलेटेड वर्क करूं। हुआ क्या, जब मैं रायपुर पहुंचा, रायपुर में मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते मुझे बस एक ही बात सिखाया गया था कि अगर आपको किसी फील्ड पे जाना है तो आप पहले से तय करके चलिए कि आपको कहाँ जाना है। और अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए। अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आपको 10 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 10 काम मिलेंगे, 10 काम दिखेंगे कि हाँ हम ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है या ये किया जा सकता है। निगेटिव लोगों से बस हमेशा दूर रहें। अब मैं उसका एक रीजन बताता हूं। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो आप अगर उस फील्ड के पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे तो आपको उस फील्ड में जाने की इच्छा होगी, उस फील्ड में वर्क करने का मन होगा। लेकिन अगर आप निगेटिव लोगों से मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि पूरी दुनिया ही बेकार है, तो हम घर पे बैठते हैं। ये काम मैंने कभी नहीं किया, हमेशा मैंने पॉजिटिव लोगों से मिला। मैं ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल ही फील्ड पे रहा है, मैं कई फील्ड पे रहा, मैंने सोशल वर्क भी किए, काफी सारी चीजें की। और ये वर्क करते करते बीच में मेरे साथ जैसे बताया कि चैलेंजेस तो थे मेरे साथ कि मुझे आखिर करना क्या है, तो छोटे से कंप्यूटर रिलेटेड वर्क से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था फॉर पॉकेट मनी, जैसे लोग कॉलेज में करते हैं पार्ट टाइम के लिए, वो काम मैंने भी स्टार्ट किया था। लेकिन बात हुई कि उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को मैं पुलिस स्टेशन के पास ही खड़ा हुआ था, तभी मुझे मैसेज आया कि आपका एटीएम से आपने कैश विड्रॉल किया है। तो मुझे लगा कि हो सकता है फेक मैसेज हो, मैं तुरंत बैंक के ब्रांच में कांटेक्ट किया, तो मुझे पता लगा कि कि एटीएम से विड्रॉल हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्य की उस समय बात यह थी, क्योंकि अभी तो खैर साइबर क्राइम काफी बढ़ गए हैं, तो लोग यूज्ड टू भी हो चुके हैं कि हाँ रोज नए नए साइबर क्राइम देखने को मिलते हैं, लेकिन 8 साल पहले एटीएम मेरे हाथ पे रखा हुआ था और मेरा विड्रॉल हुआ था कोलकाता से। तो मैंने सोचा ये तो गलत है जो भी हुआ। और आज ठीक है, बहुत कम अमाउंट का विड्रॉल हुआ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जमा पूंजी बैंक में रहती है, जिनके पास एटीएम होता है, जिनको यूज भी करना नहीं आता, अगर वो ये हादसे के शिकार हो गए तो पैसे तो खैर आज नहीं कल या देर से ही मिलते हैं, लेकिन जो उन पर बीतेगी वो वही जानते हैं। तो फिर मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, मैंने जानकारियां जुटाई कि कैसे पॉसिबल है। तो मुझे पता चला, उसका ये रिजल्ट आया कि हम जो थर्ड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मोबाइल रिचार्ज और सारी चीजों के लिए, उस समय तो खैर ऑनलाइन रिचार्ज भी ऐसे थे, कुछ चुनिंदा लोग ही करते थे जो टेक्निकल साउंड होते थे। तो फिर मैंने देखा कि ये जो चैलेंज मेरे लिए आया है, तो एक तो ये केवल एटीएम क्लोन का मामला नहीं था, फिर मैंने देखा धीरे धीरे लोगों को टॉर्चर करना, मैसेजेस भेजना सोशल मीडिया के थ्रू, उन्हें हरास करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में जाकर इसमें एक्सपर्ट, हालांकि इसमें कोई 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये एक माया जाल है, इसमें आप जितना घुसेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। तो जैसे जैसे रोज रोज चैलेंजेस आते जाते थे, तो मेरा एक वर्क होता था कि उनको अवेयर करना, उनको मना करना कि भाई आप ये प्लेटफॉर्म यूज ना करें या ये प्लेटफॉर्म यूज करें, वेब एक्सेस के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज करें, ये सारे वर्क मैंने किया। जो नए आजकल पैतरे अपनाने लगे हैं, चाहे वो हैकर्स हो, चाहे फेक कॉलर्स हो, तो वो सारी चीजों में मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और लोगों को फिर अवेयर करने का काम मैंने स्टार्ट किया। जैसे दूसरा आपने कहा कि आपने चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला, तो जैसे अभी पिछले वीडियो में सर ने कहा कि एज अ बिजनेस पर्सन, मैं भी एक बिजनेस पर्सन हूँ, एज अ बिजनेस पर्सन की काफी सारे चैलेंजेस आए, तो हमने देखा कि अब क्या किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि खाली बैठने से अच्छा है कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट छिपे रहते हैं जो वर्कलोड की वजह से हम उसे बाहर नहीं ला पाते। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए जैसे प्रमोशन वर्क समय ज्यादातर दे नहीं पाते,
तो ये सबसे अच्छा वक्त था कि आप अपने घर में बैठिए, अपने बिजनेस या अपने वर्क से रिलेटेड जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं उनका एक ढांचा तैयार कीजिए, और जब जब लगे कि हाँ अब ये जो गवर्नमेंट ने अब कुछ किस चीज में छूट दिया कि आप वर्क कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर आप उन चीजों को जो आपने घर में बैठ के रेडी किया है उनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बताएंगे। जैसे हम जैसे आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। आज भागदौड़ के जमाने में हर कोई प्रैक्टिकल की तरफ जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोन लेते हैं तो प्रैक्टिकली हमको पता है कि इतना जीबी रैम होना चाहिए, इतना जीबी इसका इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं मालूम होता है, बस हमने कैमरा का क्वालिटी देख लिया। जबकि फोन में ये सारी चीजें नहीं होती। अगर आप उसके थ्योरी में जाएंगे तो बैटरी होता है, बैटरी का एक एमएच पावर होता है, टच स्क्रीन होता है, फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन होता है, उसके भी 3 से 4 टाइप होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये होती है थ्योरी वर्क। अगर हम थ्योरी वर्क अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो प्रैक्टिकल करने में हमारे एरर 0.1% ही रहेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं तो 50-50 का रेशियो डिवाइड होता है कि हाँ वो चीजें सक्सेस भी हो सकती हैं और वो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। और तीसरा जैसे आपने कहा था कि बाउंस बैक, कि आप कैसे बाउंस बैक करके फिर से एक चैंपियन बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस कोरोना हालांकि कोरोना से पहले जैसे मुझे कुछ फैमिली रीजन से रायपुर छोड़ना पड़ा था, तो मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था मेरा वर्क रायपुर में ही होगा। मैं अपने घर आया, घर से आज इंटरनेट की दुनिया है, घर से ही मैंने बैठ के सारा काम किया, सारा कुछ किया, और वापस आज भी मैं वही सर्विस दे पा रहा हूँ जो मैं रायपुर में रहते हुए भी दे पाता था। तो बात यह हुई कि कोई भी चीजें अगर आप किसी माहौल को, किसी समाज को या किसी भी समय को बदल नहीं सकते, तो आप उस समय के हिसाब से बदल जाइए और उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, बहुत बढ़िया। सो हम कह सकते हैं कि बी रोमन व्हेन यू आर इन रोम। तो अगर आप रोम में हैं, जैसा देश वैसा भेष, तो आप बिल्कुल समय नहीं बदल पा रहे हैं। अगर हम कोरोना को भगाने में अभी थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं तो कोरोना के टाइम हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और दूसरा, संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुद्दा तो मैं भी कहूंगी, जैसा हम काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद आज हम इसीलिए इन विद्वान संगतों के साथ यहाँ पे बैठे हुए। अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से आपने अगर 5 मिनट किसी समझदार या किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बिताया तो आप आपके जीवन में वो 5 मिनट पॉजिटिव हो गए। तो अगर आज मैं 6 लोगों के साथ ये 1 घंटा अपना बिता रही हूँ तो शायद ये 1 घंटा मुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच आशुतोष, बहुत ही वंडरफुल थॉट्स। और मुझे लग रहा है बहुत क्लियरिटी है इसमें कि आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, और समय के साथ आप क्या कर सकते हैं उसको सोचना है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप पैशन बनाइए, पैशन के लिए होमवर्क करिए, और उसके बाद आप उसको करियर भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आशुतोष। और जैसा आपने कहा अभी कि 10th के बाद मैं कंफ्यूज था, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, और अभी भी कई लोगों से भी मैंने सुना, आईपीएस मयंक जी ने भी कहा कि मैंने करा तो लेकिन मैं क्लियर नहीं था, मेजर साहब ने भी कहा कि मैं करके गया लेकिन कहीं ना कहीं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट को, एंड ही इज फ्रॉम द एजुकेशनल फील्ड ओनली, एंड ही इज द बेस्ट गाइडिंग मोटिवेटर। मैं आवाज देना चाहूंगी डॉक्टर आमिर खान को। ये डायरेक्टर एंड फाउंडर है पाथ आईएएस एकेडमी के। इन्होंने पाथ आईएएस की स्थापना 2011 में करी, और साथ ही इन्होंने एक कोपल करके सोशल इनिशिएटिव शुरू करा, जिसमें कि ये अपनी तरफ से जो सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स को फ्री में पढ़ाना, दिव्यांगों के लिए फ्री में उनको ये एजुकेशन देना, इनका ये एक इनिशिएटिव है जो सब बहुत अच्छा कर रहा है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो नेटवर्किंग करते हैं उनको भी बहुत इंकरेज कर रहे हैं, और आज ये वुमेन एंटरप्रेन्योर का ग्रुप है उसमें मोटिवेशनल फोर्स की तरह काम करते हैं। इन्होंने ड्रीम कुछ और देखा था, बट शायद जैसा मैं शुरू से डिस्कस कर रही हूँ कि वो एक सेटिस्फेक्शन था जो कहीं ना कहीं इनको बॉदर कर रहा था, और आज ये बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं पाथ आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर होते हुए। सो बहुत कुछ ना बोलते हुए मैं सीधे डॉक्टर हामिद खान को इन्वाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर, वेलकम। और मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि आपने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस डिप्रेशन से जूझते हुए, हमारी जो ये सैट फ्री इंडिया की मुहिम है कि डिप्रेशन
और एक यूथ वर्क ऐसा है जो बहुत जल्दी हताश होता है, बहुत जल्दी एंथुजियास्ट होता है, इमोशनल रोलर कोस्टर ड्राइव उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं एज एन एजुकेशनिस्ट आप इन सबको बिल्कुल एड्रेस करते होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस कोरोना काल के दौरान जब आपका भी सब ऑफलाइन से मीडियम ऑनलाइन हुआ तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उसको कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करा? ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के विचार संघर्ष से गुजर कर सफलता की ओर हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी प्रयास यही किया, और मैं, मेरी साथी हैं डॉक्टर योगिता हुडा, मेरी वाइफ हैं, कुछ देर पहले उन्हीं की आईडी चल रही थी, है ना। तो संसाधन आपके पास होते हैं, रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, बस मुद्दा यह है आपको वहां देखने की जरूरत होती है। एजुकेशन में जो रिफॉर्म कोरोना की वजह से आया, आई थिंक उसे भारत में नेचुरली लाने में शायद मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा लगते, जो कोरोना ने 6 महीने में करवा दिया। यदि मेरे पीछे जो बोर्ड है वो डिजिटल पैनल है, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यदि मैं उनके आंकड़ों पर जाऊं तो नहीं में 1,00,000 से ज्यादा जो डिजिटल बोर्ड्स हैं उनकी सेलिंग उनके अकेले अकाउंट से दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से आया। हमने भी मार्च में ये जज तो कर लिया था कि प्रॉब्लम शायद लंबी चलेगी, तो कैमरेमैन को सबसे पहले कह दिया आप आ जाइए रिकॉर्डिंग के लिए। व्हाइट बोर्ड में रिकॉर्डिंग चल रही थी, फिर मैंने और वाइफ ने, डॉक्टर योगिता ने, हमने मिलकर प्लान किया कि एग्जैक्टली अब यहाँ से नया क्या हो सकता है। सो अगेन आप उस वक्त की तैयारी आप देखें, पिछले मार्च में तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आपको सर्च करना है दुनिया के बेस्ट एप्लीकेशन क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, और जो अवेलेबल है उनको लर्न भी करना है, बिकॉज आपके पास टेक्निकल टीम्स कोरोना की छुट्टी में या लॉकडाउन की छुट्टी में सब अपने घरों पर। सो आप देख पाते हैं कि उसके बाद फिर उसे हमने अगेन अपॉर्चुनिटी को ही कन्वर्ट करने की जो सीख बच्चों को दी जाती है वही हमने भी अपने लिए किया। दिन रात बैठकर हमने सीखा एप्लीकेशन को, कैमरा ऑपरेट करना या किस तरह से सारा कुछ इंटीग्रेट होगा, देन वीडियो एडिटिंग को सीखना, सीख कर उसमें किस तरह से लेक्चर्स को अपलोड करना, ये सारा काम शायद हम लोगों ने 1.5-2 महीने में सीख लिया। और जून ऑनवर्ड्स हम फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, और देन स्टूडियो सेटअप किया, और कोरोना में हम भी संघर्ष में हैं, अभी भी चल रहा है संघर्ष। जैसा भाटिया सर ने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज अफेक्टेड है, तो एजुकेशन भी रहा, लेकिन हाँ हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ऑनलाइन पहुंच सकते हैं लोगों के पास। तो उसमें हम लोगों ने फिर इनिशिएटिव लिया कि अब जब जाना ही है कैमरे के थ्रू, जब दूर तक पहुंचना है, तो क्यों नहीं फिर राष्ट्रीय स्तर पर। और इसी सोच के साथ फिर दिल्ली में पाथाइस एकेडमी को एक ऑफिस के साथ एस्टेब्लिश किया, और आज हमारी जितने भी क्लासेस छत्तीसगढ़ में पहले फिजिकल होती थी, वो सारी क्लासेस दिल्ली के हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा लाइव हो रही है। वो अपने घरों से नहीं बल्कि स्टूडियो जो हमारा ऑफिस बना वहां से पढ़ा रहे हैं। सो अब नेशनल लेवल का विजन आ गया थैंक्स टू कोरोना, कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी इस महामारी ने, और हम शिफ्ट हो गए कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव देखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इस कोरोना दौर में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस से कुछ छात्र पाथाइस एकेडमी के स्टूडेंट हैं, वो वहां रहकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। सो ये बात हुई। इसके अलावा एक बड़ा इनिशिएटिव ये हुआ कि कम्युनिकेशन गैप था छात्रों के साथ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या बाहर के स्टूडेंट्स हैं, रूरल एरियाज के स्टूडेंट हैं, तो इसमें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे फादर इन लॉ साहब हैं, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो देखिए मतलब आपके पास रिसोर्स पर्सन होते हैं, आपको ये देखना है कि उनके अंदर आर्ट क्या है। तो हमें समझ में आया कि वो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उनका अपना डिसिप्लिन है, हमने उन्हें बच्चों से बातचीत करने लगा दिया। ऐसे ही जनरल जितने भी नंबर्स हैं, आप घर में ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ दिक्कत है तो बताइए, प्रशासन में आपकी बात पहुंचाई जाएगी, लाइक जस्ट बहुत सारे हैप्पी हुए बच्चे, और मुझे लगता है उनको रिलीफ भी मिला कि इस दौर में कोई हमसे बातचीत करने वाला है। हमने पढ़ाई की बात नहीं की, हमने एडमिशन की बात नहीं की, हमने सिर्फ उनकी समस्याओं को सुना, ये एक पक्ष हो गया। इसके अलावा जो हमने काम किया कि यूट्यूब में डायरेक्ट जाकर बातचीत करना, एवरी सैटरडे वी स्टार्टेड लाइव प्रोग्राम और आपसे बातचीत नामक एक प्रोग्राम शुरू किया, और मुझे लगता है धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कई हजारों बच्चे जुड़ गए जो अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, मे बी पढ़ाई रिलेटेड, मे बी इमोशनल, जो लॉकडाउन आया उनके अंदर, इन सभी चीजों पर वो बातचीत करते हैं। तो इन सबका एक कंक्लूजन मैं निकालना चाहूं तो कंक्लूजन यही है कि जब आपके साथ वक्त खराब चल रहा हो या नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हो, तब आप अपना मूल काम कीजिए। पाथाइस एकेडमी का मूल काम यही था कि हम अपने छात्रों से बातचीत करें,
जो भी अपने जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए टीचर, डॉक्टर, वकील, ये ऐसे लोग होते हैं, या मदर है ना, ऐसे लोग होते हैं कि जहां पर लोग शेयर करना चाहते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारा काम सुनना था और बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बातचीत करते रहे। और थैंक्स टू टीम पाथेस एकेडमी की पूरी टीम कि हम लोग रोड पर तो सभी आ गए हैं, है ना, बहुत सारे लोग अपने अपने चैलेंज के साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब पूरी टीम मिलकर मेहनत करते हैं और वापस अपनी ऊर्जा जुटाते हैं, जो संसाधन है उसको शेयर किया कि भाई इतना है, इसको बांट के चलाना है, 6 महीने काम चलाना है, सो एवरीवन एग्रीड कि चलो ठीक है, यही प्लान हमारे लिए ठीक है। एंड देन वी स्टार्टेड कि अपना अपना पक्ष मजबूत रखें, डिजिटली पूरा कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे लोगों ने सीखा नई नई चीजों को। एंड देन आज की डेट में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, उम्मीद है। कोरोना ने परेशान जरूर किया इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकल, सोशल, बहुत तरीके से, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने सर्वाइव करना सीख लिया। तो मुझे लगता है कि लाइफ शायद इसी तरह के अप डाउन से होकर गुजरती है, तो अपने आसपास चीजों को देखना चाहिए और सबसे पहले अपने लोगों में उन चीजों को तलाश करना चाहिए कि हमारे पास कौन सी चीज है। कई बार होता है शायद हम वहां देख नहीं पाते हैं, जो मेजर साहब ने कहा कि नजरिया चाहिए, या आईपीएस मैंग सर ने कहा कि नजरिया आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको तलाश करना होगा कि आपके आसपास क्या है। तो बहुत मजबूत होकर काम किया जा सकता है। बीइंग अ टीचर, बच्चों को मोटिवेट करते रहना, दिन भर काम है, लेकिन रात में हम लोग भी जब सोचते थे कि अब कल क्या होगा, तो खुद को भी मोटिवेशन चाहिए। लेकिन हाँ, जब आपका जीवन साथी उसी मुकाम का हो जैसा आप सोचते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा होता है। तो डॉक्टर योगिता एंड मैं मिलकर हमने दिन रात सोचा क्या बेहतर, क्या बेहतर, क्या बेहतर, और बेहतर करते करते यहाँ तक की जर्नी हम और बेटर कर पाए हैं। और ऑनलाइन रियली चैलेंज तो है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रीज की बात करें, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को रीड किया हमने, तो समझ में आता है कि वो लोग हमसे काफी आगे हैं। फिजिकल क्लासेस हैं उनके पास, बट बच्चे टैब के साथ बैठे हैं, लैपटॉप के साथ बैठे हैं, जिन टेक्नोलॉजीज को हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना उनको 6 साल पहले यूज करके कुछ नए में जा चुका है, अभी हम लोग उनका बचाया हुआ यूज कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज है, और हमें ये देखना होगा कि डिजिटली बच्चों के आईज को भी इम्पैक्ट ना पड़े। सिंस यू आर फ्रॉम लाइक ये आई वाला जो काम है आप लोग कर ही रहे हैं, तो आप लोग के पास बहुत अच्छे मार्गदर्शन भी होंगे। जरूर हम चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए आप लोग को कभी उनसे जोड़ दें, ताकि आईज पर जो लोड पड़ता है लाइट और स्क्रीन का, वो कैसे रिड्यूस करें। तो डेफिनेटली छोटे बच्चों के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन मुझे लगता है बड़े बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं अब ऑनलाइन में हो गई हैं। और अब हमारे लिए मुश्किल होगा कि व्हाइट बोर्ड में लौटना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से फिर व्हाइट बोर्ड आया, ग्रीन बोर्ड आया, अब ये डिजिटल बोर्ड मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अब पुराने वाले पर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक वैसे ही है जैसे पेन ड्राइव के बाद फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि उसको यूज करने का स्लॉट ही नहीं है कंप्यूटर में, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ड्राइव की ओर जाना पड़ेगा, क्लाउड्स की ओर जाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे एजुकेशन में भी हमें शायद आगे की सोचनी पड़ेगी, और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी हैं, तो वो बेहतर समझा पाएंगे कि हाँ इसमें लीकेज कहाँ से रोकनी है, और सिक्योर होकर हम क्लासेस को प्रोफेशनली कैसे चला पाएं। सो ऑब्वियसली इस महामारी के दौर में हमने बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी सीखा, और एजुकेशन का एक नया स्वरूप समझ में आया कि आपके सामने कोई बच्चे नहीं, बट विद फुल एक्सप्रेशन आपको कैमरे के सामने हंसना भी है, सीरियस भी होना है, और बहुत सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सीखने का मतलब ये है कि हाँ आप कोई नई एक विधा आप तलाश रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसका फायदा मिलता है। एकेडमी एक नए मुकाम पर अब पहुंची है, और पूरे छत्तीसगढ़ में, इनफैक्ट मध्य भारत में आईएएस को लेकर जो इनिशिएटिव 2011 में मैंने शुरू किया था, कि इस छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं कि ट्राइबल स्टेट है, लेकिन मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, ये संभावनाओं का गढ़ है छत्तीसगढ़। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और हमें ये देखना है कि दूर दूर तक कैसे पहुंचे। हाँ, हमारी टीम का एक ख्वाब जरूर है कि कम से कम जो रिमोट एरियाज हैं, देवभोग जैसे एरियाज हैं, बस्तर जैसे एरियाज हैं, वहां तक डिजिटली एजुकेशन में पहुंचा जा सकता है, ये हमारा ड्रीम है। कोचिंग एक कमर्शियल विंग है, लेकिन उसके साथ शिक्षा में जो रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आना चाहते हैं वो यही है कि हम दूर तक बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि जरूरी नहीं कि बस्तर का कोई शिक्षक उतना सक्षम हो, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते, तो क्यों ना डिजिटली पहुंचा जाए। और ये ड्रीम है, देखते हैं कहाँ तक हम पूरा कर पाते हैं, बट ख्वाब तो अच्छा देखा है हम लोगों ने कि शिक्षा जगत में इसी तरह से इनिशिएटिव लिया जाए, और वो रूप कैसे लेगा आने वाला समय डिसाइड करेगा। तो मुझे लगता है कि हमने अपने संघर्ष को इसी रूप में देखा कि आप जब समस्या में होते हैं तो अपना बेसिक काम मत छोड़िए,
जब आप चुनौतीपूर्ण समय में होते हैं तो अपना बेसिक काम नहीं छोड़ें। तो आप देखेंगे हमारा बेसिक काम था कि बच्चों से बातचीत करना, बीइंग अ टीचर उनसे बातचीत करें, लगातार हम लोग बातचीत करते रहे और कहीं ना कहीं समाधान निकलता है। तो शायद ये बिजनेस का भी मंत्र हो सकता है, लेकिन फिलहाल बच्चों से बातचीत करके हम संतुष्ट हैं कि उनकी समस्याओं का कुछ समाधान कर पा रहे हैं। देखिए आईएएस बनना समय की बात है, आईपीएस बनना समय की बात है, हाँ मेहनत जरूरी है, दोनों पक्ष को मेहनत करनी है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को खूब जोर से मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए सफलता जो है किसी शहर से नहीं है, किसी कोचिंग के ब्रांड नेम से नहीं है, है ना, किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है। सफलता आपकी कोशिशों से जुड़ा होता है कि आप करते क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटेंशंस क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किन इंटेंशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब संभावनाओं के साथ पाथ है इस एकेडमी को एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ाते चल रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसा आपने बता ही दिया कि कोशिश हमारी यही है कि कोचिंग का मतलब सिर्फ लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि पैसा देकर ही हम यहाँ से कुछ प्राप्त करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप हाईलाइट नहीं करते हैं, अंदर अंदर चीजें चल रही होती हैं। तो हाँ, ऐसे बच्चे जो दिव्यांगजन हैं या जिनके घर में बहुत समस्या है या फिर जो थर्ड जेंडर हम कहते हैं, तो इन सभी समुदाय के लोगों को हम स्वागत करते हैं उनका, और जैसी भी जरूरत पड़ती है उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जहां से भी हो सकता है उनको उस लेवल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 10-11 सालों में 800 से ज्यादा रिजल्ट्स के साथ पाथाइस एकेडमी मध्य भारत में प्रयासरत है कि कुछ बेहतर कर जाएं, और जरूरी नहीं है कि आईएएस बनाकर ही हम नाम कराएं, शिक्षा में कुछ बेहतर कर जाना यही ख्वाब हमारा है। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद सुनने के लिए। आज संडे आप लोगों ने समय निकाला है, और अनुभूति मैम और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे इनिशिएटिव्स के साथ आप बढ़ रहे हैं। तो जरूर चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो लोग लाइव देखते हैं प्रोग्राम या स्क्रीन में ज्यादा समय बिता रहे हैं, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन भविष्य में जरूर प्रदान करें। और बाकी माइक आपके हाथ में, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हामिद सर, और बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये सोशल अवेयरनेस का इनिशिएटिव अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ के बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे ये इनिशिएटिव आपके अकेडमी भी पहुंचे, हम इसके बाद इसकी चर्चा कर सकते हैं। और जो आपने एक मुद्दा बताया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस बात से आगे नेक्स्ट जो हमारे पैनलिस्ट आ रहे हैं वो भी बिल्कुल एग्री करेंगे, और वो इस पे पूरा जोर देते हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपको आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसी टीम वर्क के साथ और इसी रिसोर्सेज के साथ मैं अपने अगले होस्ट को कहूंगी, इनवाइट करने जा रही हूं, ये गेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये जो सैड फ्री इंडिया का मुहिम है ये पूरा इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। जैसा आपने बताया कि जिसकी हर टॉक में मैं देख रही हूं कि बच्चे कहीं ना कहीं 7 डायमेंशंस में डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसी ये भी एक MBBS है, डबल डिग्री डॉक्टर है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड होल्डर है, बट जैसा मैं शुरुआत से बार बार बोलती आ रही हूँ कि वो एक सेटिस्फैक्शन डॉक्टर बनने के बाद, एक MBBS होने के बाद, अच्छा एक प्रैक्टिस करने के बाद, एक वो कीड़ा कि नहीं अभी वो मुझे नहीं मिला है, वही एक कीड़ा है जो शायद मेरे नेक्स्ट पैनलिस्ट को आवाज दे रहा है, एंड ही इज डॉक्टर अनिल के गुप्ता। ये अभी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम और एशियन साइंस पर वर्क कर रहे हैं, जिससे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो हम बार बार कह रहे हैं डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सैड फ्री इंडिया के हम मुहिम चला रहे हैं, इमोशनल कंसेंट जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ, आपने जैसा बोला हामिद सर कि आप कितना बात कर सकते हैं, आप कितना वो गैप फिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सब स्थिति से निकले इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ऑक्यूपेशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो मेरे ख्याल से मेरे बात करने से बेटर है कि मैं आवाज दूं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल गुप्ता आप सही इंसान है इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, इन 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ, हमारा सैड फ्री इंडिया कैंपेन और आज की ये मुहिम। ओवर टू यू डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमारा एक मोटो था कि इस कोरोना के जो चैलेंजेस आए हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ रहा है, जो हताशा आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, और इसी कड़ी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऐसी शख्सियत से, ऐसे लोगों से जिनकी रियल लाइफ स्टोरी, कैसे वो चैलेंज को फेस कर रहे हैं वो आप तक लाई जा रही है। बुक्स में कई बार आप जो पढ़ते हैं आपको लगता है कि ये फिलोसॉफिकल है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। और अलग अलग फील्ड के मिस्टर जसप्रीत भाटिया जी, जो कि टूरिज्म ट्रेवलिंग एजेंसी से हैं, और उनको कितना बड़ा चैलेंज है
लेकिन क्या आपने उनके माथे पे शिकन देखा और उन्होंने क्या कहा? यस, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग सीखिए, पेशेंस, पेशेंस सीखना है तो जसप्रीत जी से सीखिए। ऐसे ही मेजर साहब जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं, जो अपने पैशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, उन्होंने आर्मी को छोड़कर अपने पैशन के साथ ज्वाइन किया और स्टूडेंट्स के एजुकेशन में जो एक नया चीज लेकर आना चाहते थे, नया आयाम लाना चाहते थे, वो लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान, कैसे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन और अपने आप को अपडेट करना, लगातार लगातार चैलेंजिंग स्टेटस क्यों, अपने प्रेजेंट को बार बार चैलेंज करना आपने उनसे सीखा। मयंक श्रीवास्तव जी, जिनसे आपने सीखा होगा कि जिनका काम ही चुनौतियों से लड़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेली नए नए चुनौती आते हैं, और आज आपने इन लोगों के फेलियर स्टोरी को भी सीखा, समझा, देखा, चैलेंजेस फेस करने का तरीका सीखा। बहुत सारे चैनल्स आपको दिखाते होंगे सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी से तो सीखने को मिलता ही है, लेकिन जो फेलियर्स होते हैं, कैसे वो बाउंस बैक हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत होती है। और डेफिनेटली कोरोना की वजह से अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझ रहा हूं वो है हेल्थ, और हेल्थ फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों। लेकिन कहीं ना कहीं जो चैलेंज होता है वहीं से अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो कोरोना में हेल्थ अगर चैलेंज है तो हेल्थ एक अपॉर्चुनिटी भी है। हेल्थ को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे लाना होगा। अभी तक हम हेल्थ को 4th या 5th प्रायोरिटी पे रखते थे, लेकिन कोरोना ने हमें यह रियलाइज करवाया, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। लाइफ की जितनी भी डायमेंशंस हैं उसमें हेल्थ नंबर 1 होना चाहिए, और ये कोरोना हमें सिखाना चाहता है, कोरोना कहना चाहता है कॉन्शियसनेस को रेज करें और अपनी प्रायोरिटीज को रीशफल करें। हेल्थ नंबर 1, अगर आपने हेल्थ नंबर 1 पे रख लिया, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों, फिर लाइफ की सारी डायमेंशन को आप हैंडल कर सकते हैं। जितने शख्सियत से आज आप मिले हैं उन सबका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो लोग, तभी तो वो बाउंस बैक कर रहे हैं ना। अब अगली बात ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें 7 डायमेंशंस को समझना है तो हमें कोरोना के बाद हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्मेशन की जरूरत है। अभी तक हम केवल फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे थे, मेंटल इमोशनल इसकी तो बात ही नहीं हो रही थी, और कोरोना ने हमारी ऑक्यूपेशन डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन तीनों को डिस्टर्ब किया है। तो ऐसे में हमें बाउंस बैक करना होगा तो हमें मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी समझना होगा, और यहां पर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत आएगी। यानी जो फिजिकल डायमेंशन का जो हेल्थ केयर मॉडल था उसे हमें दोबारा रिफॉर्म करना होगा, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को इसके अंदर जोड़ना होगा। और यहां पर हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम था, उन साइंसेस को दोबारा नए सिरे से जोड़ना होगा हमारे प्रेजेंट के सिस्टम के साथ। जो वेस्टर्न सिस्टम ने अडॉप्ट किया था वो भी अच्छा है, बट वो लाइफ सेविंग है, लेकिन हाउ टू लिव लाइफ, उसके लिए हमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और हमारी मेंटल साइंसेस को जोड़ना होगा। इस एस्पेक्ट पे ही हमने कोरोना के पेंडेमिक के दौरान ये लाइफ कैंपस जो प्लेटफॉर्म है, इसको लाने का उद्देश्य ही यही था कि लोगों की फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम किया जाए। आई हेल्थ पे तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये 7 डायमेंशन वेलनेस के लिए ही इस प्लेटफॉर्म को लाया गया। और आज मैं सब जितने भी ऑडियंस जुड़ रहे हैं उन सबको कहना चाहूंगा कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप सीखिए, और साथ ही साथ जसप्रीत जी, हमीद जी, आशुतोष जी, मेजर साहब और मयंक श्रीवास्तव जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर लोगों को मोटिवेट ही नहीं किया, बल्कि अपनी रियल लाइफ, रियल इंटेंशंस, रियल स्टोरी लोगों तक शेयर की। ऐसा नहीं कि आपने यहां जो बातें की वो केवल लोगों को मोटिवेट करने के लिए की, आप जो फेस कर रहे हैं उसे आपने प्रैक्टिकल वे में दिखाया, और शायद ये लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं। तो वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हम सब मिलकर इस कोरोना चैलेंज को फेस तो कर ही डालेंगे। वापिस आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, फिर से लाइफ हरी भरी होगी, लेकिन कोरोना हमें कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए आया, नई कॉन्शियसनेस के साथ, नई कनेक्शंस के साथ वापिस बाउंस बैक करते हैं। थैंक यू अनुभूति जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और अगेन आपने जैसा कहा, इस पूरी परिचर्चा जो आज हमने ये पूरी परिचर्चा करी है, हमारे साथ इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स जुड़े हुए हैं, इन्होंने खाली मोटिवेट नहीं करा है, इन्होंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करा है, जो इनके साथ हो रहा है ये उससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, आप अगर गिव अप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हार है।
समय सबके लिए वही है, कुछ उसमें आगे निकल जा रहे हैं और कुछ पीछे छोड़ जा रहे हैं, सब आपकी सोच का फर्क है। तो आप सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, जिस तरह से लर्निंग कभी नहीं रुकती है, लर्निंग फॉर लाइफ होती है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, जो हमारा लाइफ कैंपस का मुद्दा है, जिसके साथ पॉजिटिव हेल्थ जोन सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बन के उभर रहा है, जो माइंड बॉडी सोल की वर्किंग पे काम कर रहा है, श्री गणेश विनायक आई फाउंडेशन जो अपनी तरफ से जो मदद कर पा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, एंड आई एम श्योर जितने भी पैनलिस्ट हैं वो अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और ये भी मैं जान सकती हूँ कि अगले संडे आप फिर हमसे मिलेंगे इसी टाइम पर, हम नए पैनलिस्ट के साथ, नए जोश के साथ फिर से हाजिर होंगे। मैं सभी पैनलिस्ट का आज के लिए शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच जसप्रीत जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू हामिद सर, थैंक यू मेजर साहब फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू डॉक्टर अनिल गुप्ता। वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट संडे एट 12। दिस एपिसोड वॉज पावर्ड बाय श्री गणेश विनायक आई फाउंडेशन, पॉजिटिव हेल्थ जोन, एंड दिस वॉज सीरीज फ्रॉम लाइफ कैंपस। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच. Thank you very much. And have a good day. Thank you. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.